अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हमारा टॉपिक है काइनेटिक मॉलिक्यूल थ्योरी ऑफ गैस। ठीक है, इससे पहले हमने थ्योरी फर्स्ट ईयर के अंदर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ाई जाती है, और सेकेंड ईयर के अंदर फिजिक्स में चैप्टर 11 हीट के अंदर भी टॉपिक पढ़ाया जाता है। ठीक है, टॉपिक का नाम है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, इसमें टोटली हम गैसेस का बिहेवियर पढ़ेंगे कि जो जो अजम्पशंस की गई थी, जिसमें हम जो अजम्पशंस करके हमें गैस का बिहेवियर समझ में आता है, हम वो तमाम तरह अजम्पशंस इस टॉपिक में कवर करेंगे। ठीक है, और इन्हीं अजम्पशन की बेसिस पे तमाम गैस लॉज जो हैं हमें पढ़ाए जाते हैं, जिसमें बॉयज़ लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोज़ लॉ और दीगर लॉ शामिल हैं। ठीक है, तो पहले हम काइनेटिक मॉलिक्यूल थ्योरी करेंगे और अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह आपको गैस लॉज बताएंगे जिसमें बॉयज़ लॉ और चार्ल्स लॉ है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। सबसे पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड देते हैं कि गैस के मॉलिक्यूल कैसे होते हैं, अगर उनका स्ट्रक्चर बनाया जाए तो वो कैसे दिखाई देंगे। तो आइए ज़रा मैं रफ सा स्ट्रक्चर बना रहा हूँ गैस का। ये सपोज करें मेरे पास एक क्यूब है, ठीक है, और इस क्यूब के अंदर मेरे पास एक गैस है। ठीक है, हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि ये एक कंटेनर है और इस कंटेनर में हमारे पास गैस है, जिसमें गैस के बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं। ठीक है, अब यहाँ पर गैस के मॉलिक्यूल का बिहेवियर क्या होगा, ये हमें इन तमाम अजम्पशंस में पता चल जाएगा। ठीक है, जो प्रीवियस क्लासेस में, यानी हमने छोटी क्लासेस से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, सॉलिड लिक्विड गैस इन थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर का चैप्टर पढ़ते हुए आ रहे हैं, उसमें हमें दो चीज़ें पता हैं कि गैस के मॉलिक्यूल्स की जो इंटर मॉलिक्यूलर स्पेसेस होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। इसका मतलब है गैस के मॉलिक्यूल्स आर नॉट टाइटली पैक्ड, दे आर लूजली पैक्ड और वेरी लूजली पैक्ड। इट मीन्स दे हैव वेरी वाइड स्पेसेस बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स, दे आर मच फार अवे फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं गैस के मॉलिक्यूल्स कंटेनर में बनाऊं तो आप कहेंगे सर गैस के मॉलिक्यूल अगर एक यहाँ पर है तो दूसरा यहाँ पे होगा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह से गैस के मॉलिक्यूल जो है पूरे क्यूब में स्कैटर्ड हुए हुए होंगे और गैस के मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर होंगे। ये बात हमें छोटी क्लासेस में ऑलरेडी बताई जा चुकी होती है कि गैस के मॉलिक्यूल जो है वाइडली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर हैं, उनके दरमियान स्पेसेस बहुत ज़्यादा हैं। और अब हम जब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में पहुंचते हैं तो हमें उनकी अजम्पशंस कम्प्लीटली पढ़नी पड़ती हैं कि किन अजम्पशंस की बेसिस पे हम ये सब कंसिडरेशन लेते हैं और गैस के मॉलिक्यूल किस तरह बिहेव करते हैं, वो सब चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात ये कर लें आपसे, गैस किस से मिलकर बनी हुई है। गैस जो है स्मॉल टाइनी पार्टिकल जिसे हम मॉलिक्यूल कहते हैं, उनसे मिलकर बनी हुई है और डिपेंड करता है, डिपेंडिंग ऑन द गैस, जो भी गैस है, कुछ गैस सिर्फ एटम से मिलकर बनती है। फॉर एग्जाम्पल हीलियम की बात करें तो हीलियम जो है एटम पे मुश्तमिल है। ठीक है, लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूं तो कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड इज अ गैस और उसका एक मॉलिक्यूल अ ग्रुप ऑफ एटम का मजमू है। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं आपको कार्बन डाइऑक्साइड की, तो ये भी एक गैस है और हीलियम भी एक गैस है। ठीक है, इसी तरह नाइट्रोजन भी एक गैस है और नियॉन भी एक गैस है। ये सब गैसेज हैं। ठीक है, ये एटम फॉर्म में मिलती है, एटॉमिक फॉर्म में मिलती है हमें, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में मिलती है हमें। ठीक है, इसके पास ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं और इसको हम कहते हैं एक मॉलिक्यूल, वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वन मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ हीलियम एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ नियॉन। चूंकि हम कंसीडर कर रहे हैं कि गैस जो है उसको इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स दैट आर नोन एज मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अच्छा बात को आगे चलते हैं, लेके चलते हैं कि गैस कंसिस्ट ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। जब भी गैस की बात करते हैं तो गैस में हम ये कंसिडर करते हैं कि इसके अंदर बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं, लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं दैट आर पॉइंट मास। अब पॉइंट मास से क्या मुराद है कि गैस के मॉलिक्यूल्स को हम पॉइंट मास क्यों तसव्वुर करते हैं। ठीक है, पहली बात मैंने आपको क्या बताई, गैस में बी मेड अप ऑफ एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम्स। ठीक है, हम उसे लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को पॉइंट मासेस क्यों कहते हैं, यानी हम ये समझते हैं, आप देखें फिगर, देखें मेरी इस फिगर में इतना बड़ा वॉल्यूम है और इसमें मॉलिक्यूल एक पॉइंट की मानंद है। ठीक है, यानी इतने दूर होते हैं, इतने स्मॉल होते हैं एज कम्पेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। कंटेनर के वॉल्यूम के कंपैरिजन में अगर आप मॉलिक्यूल का वॉल्यूम देखें तो वो अप्रॉक्सीमेटली नेग्लिजिबल होता है। उसका एक पॉइंट भी आएगा, देखें पॉइंट नंबर 8 मैंने लिखा हुआ है, ये मैं लाइन से आऊँगा तो आपको समझाऊंगा इंशाल्लाह। यहाँ पर मैं ये फोकस करना चाह रहा हूँ कि आपको पॉइंट मास का मतलब समझ में आ जाए कि पॉइंट मास मतलब एनी पार्टिकल दैट हैज अ मास बट हैविंग नेग्लिजिबल वॉल्यूम। किसका मास है तभी हमने उसे पॉइंट मास किया है, उसका जो वॉल्यूम है वो हम नेग्लिजिबल कंसिडर करते हैं। तो इसीलिए गैस कंसिस्ट होती है लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे, जिसे हम पॉइंट मास कहते हैं। एंड दीज मॉलिक्यूल्स आर, बहुत इंपॉर्टेंट जुमला है और हमारी अजम्पशंस हैं ये, कि दीज मॉलिक्यूल्स आर सेपरेटेड बाय लार्ज डिस्टेंस। जैसे कि मैंने आपको पहले समझाया
कि गैसेस के मॉलिक्यूल्स के जो बीच में इंटर मॉलिक्यूल स्पेसेस होती हैं वो बहुत ज्यादा होती हैं। यही वजह उसने बताई कि दीज मॉलिक्यूल्स आर सेपरेटेड बाय अ लार्ज डिस्टेंस, और इतना लार्ज डिस्टेंस होता है कि एज कंपेयर टू देयर साइज, यानी अब आप इस बात को समझिएगा, इस मॉलिक्यूल का साइज इतना सा है, इस मॉलिक्यूल का साइज इतना सा है, अपने साइज के हिसाब से जो इनके दरमियान का फासला होता है वो कहीं ज्यादा होता है। यही बात बताई गई है, द मॉलिक्यूल्स आर सेपरेटेड बाय लार्ज डिस्टेंस एज कंपेयर टू देयर साइज, उनका साइज बहुत मामूली सा होता है और साइज के हिसाब से जो उनके बीच का जो फासला होता है, डिस्टेंस होता है, या इंटर मॉलिक्यूलर स्पेसेस कहें आप, तो वो बहुत ज्यादा होती हैं। ये हमारी अजम्पशंस हैं और इसको हम लाइन से पढ़ रहे हैं। पहली अजम्पशंस होपफुली आपको समझ में आ चुकी होगी। मैं जा रहा हूँ नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट कहता है कि मॉलिक्यूल्स, किसके मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है, गैसेस, चूंकि हम काइनेटिक मॉलिक्यूल थ्योरी ऑफ गैसेस को पढ़ रहे हैं। वो कहता है कि मॉलिक्यूल्स मूव कंटिन्यूसली, इसका मतलब है कि मॉलिक्यूल मुसलसल मूव कर रहे होंगे इन वेरियस डायरेक्शंस विद वेरियस स्पीड्स। ठीक है, यहाँ पर कंटिन्यूसली का मतलब है यानी रैंडम मोशन वो में मूव कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स। रैंडम मोशन का मतलब ये है कि मॉलिक्यूल्स आर नॉट सब्जेक्टेड टू ओनली मूव इन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ओनली। ठीक है, दे आर फ्री टू मूव इन आइदर एक्सिस, आइदर इट इज एक्स वाई और जेड, किसी भी एक्सिस में हमारे मॉलिक्यूल्स फ्रीली और रैंडमली मूव कर रहे हैं। वो ये बता रहा है कि मॉलिक्यूल मूव कंटिन्यूसली विद वेरियस स्पीड इन अ रैंडम मैनर। अब रैंडम मैनर का मतलब आपको मैं नीचे एक पॉइंट है जिसमें बताया गया है, ये देखें पॉइंट नंबर 6 देखें, उसमें बताया जा रहा है मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू मूव अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। बेसिकली इसका मतलब यही था, अगर आप ये पॉइंट की जगह यहाँ पर भी इसको इनकॉर्पोरेट कर दें तो कोई इशू नहीं है, कि आप बोल सकते हैं कि मॉलिक्यूल मूव कंटिन्यूसली विद वेरियस स्पीड इन एक्स वाई और जेड डायरेक्शंस, तमाम डायरेक्शंस में आपके मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं। हाउएवर, अब यहाँ पे बात करता है कि हाउएवर अ मॉलिक्यूल मूव इन अ स्ट्रेट लाइन और स्ट्रेट पाथ बिटवीन टू कोलिजंस। ठीक है, यहाँ क्या बताना चाह रहा है, ये कह रहा है कि ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल एक्स में जाए, वाई में जाए, जेड में जाए, ये रैंडम मूव करता रहेगा। लेकिन रैंडम मोशन में एक बात यहाँ बताते चले आपको, किसी भी कंटेनर में अगर मैं कहूँ इस क्लासरूम के अंदर जिसमें आपको पढ़ा रहा हूँ मैं, इस क्लासरूम में गैस के मैंने मॉलिक्यूल्स को फिल कर दिया है और गैस के मॉलिक्यूल आपको पता है कि वो मुसलसल मोशन में होते हैं। ठीक है, इस वक्त भी अगर गैस के मॉलिक्यूल की बात की जाए तो मुसलसल मोशन में है। जब गैस के सपोज करें कि 100 मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन में होंगे तो बहुत सारे मॉलिक्यूल इन बिटवीन द कंटेनर और विद द वॉल ऑफ द कंटेनर आपस में एक दूसरे से कोलाइड कर रहे होंगे। जब दो मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करेंगे तो इट मींस जो उनका डिस्टेंस है वो स्ट्रेट लाइन में हम कंसिडर कर रहे होंगे। देखें यहाँ पर मैं बना के दिखाता हूँ आपको, सपोज करें ये मॉलिक्यूल इससे कोलाइड करता है, ये मॉलिक्यूल, यहां पर ये मॉलिक्यूल है और यहां पर ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल मूव रैंडम कर रहा है यानी एक्स वाई जेड तीनों डायमेंशन में मूव करेगा, मूव करते हुए ड्यूरिंग और कवरिंग द पाथ उसका जो कोलिजन है वो इस मॉलिक्यूल से होता है। ठीक है, इस मॉलिक्यूल का कोलिजन इस मॉलिक्यूल से होता है, तो बिटवीन द कोलिजन, ठीक है, बिटवीन द कोलिजन उसने कहा है कि मॉलिक्यूल मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन। जब दो कोलिजन हो रहे होते हैं उसके दरमियान हमारा मॉलिक्यूल स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा होता है, जबकि ओवरऑल अगर आप किसी मॉलिक्यूल को फोकस करें तो वो अगर इससे कोलाइड होने के बाद इससे कोलिजन करेगा, फिर इससे कोलिजन करेगा, फिर इससे कोलिजन करेगा, तो हम कहेंगे कि हमारा मॉलिक्यूल जो है, सपोज करें इसके बाद इससे कोलाइड करेगा, फिर इससे कोलाइड करेगा और फिर इससे कोलाइड करेगा, इसका मतलब है कि जो हमारा मॉलिक्यूल है वो रैंडम फैशन में मूव कर रहा है। कंटेनर के अंदर गैस का मॉलिक्यूल रैंडम फैशन में मूव कर रहा होता है, यानी वो एक्स वाई और जेड एक्सिस में फ्रीली मूव कर रहा होता है, और जब वो कोलिजन करता है तो दो कोलिजन के दरमियान वो जो है स्ट्रेट पाथ में मूव करता है। ये ही हमारी सेकेंड अजम्पशन, और अब जा रहे हैं हम थर्ड अजम्पशन पे जो कि कोलिजन से रिलेटेड है, और वो क्या कहता है कि मॉलिक्यूल मेक्स इलास्टिक कोलिजन विद वन अनदर एंड विद द वॉल ऑफ द कंटेनर। यहाँ क्या बताने की कोशिश हो रही है कि जो कंटेनर के अंदर गैस का मॉलिक्यूल है, देखिए ये सब गैस के मॉलिक्यूल है, वो या तो किसी दूसरे मॉलिक्यूल से कोलाइड करेंगे या ऊपर राइट और लेफ्ट जो है वो वॉल ऑफ द कंटेनर से स्ट्राइक कर सकते हैं। यानी हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि जो गैस का मॉलिक्यूल है वो एक कंटेनर में है, और जब वो एक कंटेनर में है तो वो बकाया दूसरे मॉलिक्यूल से कोलिजन कर सकता है, सेकंड वो वॉल्स ऑफ द कंटेनर से भी कोलिजन कर सकता है, लेकिन जितनी दफा वो कोलिजन करेगा, मेक्स इलास्टिक कोलिजन, वो क्या करेगा, वो इलास्टिक कोलिजन करेगा। अब इलास्टिक का मतलब क्या है,
ये समझना है हमें, ठीक है। इलास्टिक कोलिजन का मतलब ये होता है कि ऐसा कोलिजन जिसके कोलाइड होने से पहले और बाद में जो मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी है वो चेंज ना हो, ठीक है। इसका मतलब यह है कि नो चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल। जब भी कोलिजन होगा और वो इलास्टिक कोलिजन होगा, चाहे वो मॉलिक्यूल्स के साथ हो, चाहे वो वॉल ऑफ द कंटेनर और रूफ ऑफ द कंटेनर, बॉटम ऑफ द कंटेनर, किसी के साथ भी गैस के मॉलिक्यूल का जो कोलिजन होगा वो इलास्टिक होगा, यानी अपना मॉलिक्यूल जो है वो गैस का मॉलिक्यूल वो अपनी एनर्जी लॉस नहीं करेगा। आप चाहें तो ये अपने पास लिख कर ऊपर मेंशन कर सकते हैं कि इसका इलास्टिक कोलिजन का मतलब है नो एनर्जी लॉस और नो एनर्जी गेन। जो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल की है वो बरकरार रहेगी, उसमें कोई कमी पेशी नहीं आएगी, ठीक है। ये था हमारा पॉइंट नंबर 3। एंड अब चलते हैं पॉइंट नंबर 4 पे। पॉइंट नंबर 4 में कह रहा है कि गैस मॉलिक्यूल डू नॉट पोजेस म्यूचुअल अट्रैक्शन, इट मींस दे डू नॉट अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर। द गैस मॉलिक्यूल, अगर एक कंटेनर में 100 मॉलिक्यूल्स हैं तो 100 के 100 मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे को ना अट्रैक्ट करेंगे ना रिपेल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक बात और कही यहाँ पर कि दे एग्जर्ट नो फोर्स ऑन वन अनदर, एक दूसरे पे कभी कोई फोर्स नहीं एग्जर्ट करेंगे एक्सेप्ट ड्यूरिंग कोलिजन, सिवाय कोलिजन पे, यानी जब कोलाइड होंगे, कोलाइड अट्रैक्शन की वजह से नहीं हो रहे कि एक मॉलिक्यूल ने दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट किया, इस मॉलिक्यूल ने इस मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट किया और कोलिजन हुआ, इस वजह से कोलिजन नहीं हो रहा। कोलिजन इज ओनली ड्यू टू द रैंडम मोशन और कंटिन्यूस मोशन, ठीक है। मॉलिक्यूल्स का कंटिन्यूस मोशन है, उनको नहीं पता, एक मॉलिक्यूल को नहीं पता कि उसके सामने दूसरा मॉलिक्यूल आ रहा है। जब इन अ पाथ, जब मूविंग और कंटिन्यूस मोशन में जब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल टकराएगा तो उस वक्त दो मॉलिक्यूल आपस में दूसरे फोर्स एग्जर्ट होगी उनमें, एक्सेप्ट लिखा है मैंने यहाँ पर, एक्सेप्ट ड्यूरिंग कोलिजन। जैसे ही कोलिजन करेंगे एक दूसरे पे फोर्स एग्जर्ट करेंगे, एक किसी और डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, एक किसी और डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, लेकिन आपस में दो मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे ना एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इसका मतलब दे डू नॉट एग्जर्ट एनी फोर्स अपॉन ईच अदर, ठीक है। ये था हमारा पॉइंट नंबर 4। और अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 5 की तरफ, जो ये कहता है कि गैस के तमाम मॉलिक्यूल जब मोशन कर रहे होते हैं या रैंडम मोशन में होते हैं तो वो लॉज ऑफ मैकेनिक्स यानी न्यूटनियन फिजिक्स को फॉलो कर रहे होते हैं एप्लीकेबल टू द मोशन ऑफ मॉलिक्यूल। यानी किसी भी गैस के मॉलिक्यूल का जो मोशन है हम उस पर न्यूटन के लॉज और यानी लॉज ऑफ मैकेनिक को अप्लाई कर सकते हैं और वो गैस जो है हमारी वो उनको ओबे कर रही होगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 6 पोस्टुलेट। वही कहता है कि मॉलिक्यूल्स, जो कि मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस आर फ्री टू मूव अलोंग एक्स वाई और जेड एक्सिस। इसका मतलब यह है कि अगर मॉलिक्यूल मेरे पास है वो एक्स में भी मूव कर सकता है, वो मॉलिक्यूल एक्स में भी मूव कर सकता है, वो वाई में भी मूव कर सकता है और वो जेड में भी मूव कर सकता है। इसका मतलब यह है कि मॉलिक्यूल इज फ्री टू मूव, वो कहीं पर भी किसी भी डायरेक्शन में जाने के लिए पाबंद नहीं है कि उसे एक्स में जाना है, वाई में जाना है या जेड में जाना है, जबकि वो फ्री है मूवमेंट के लिए। मैं यहाँ पे यूँ बना के दिखाता हूँ आपको कि अगर ये एक मॉलिक्यूल है यानी एक पॉइंट मास है, पॉइंट मास हमने ऊपर पढ़ा, एक मॉलिक्यूल है गैस का, ये एक्स में भी जा सकता है, ये वाई में भी जा सकता है और ये बाहर जेड की तरफ भी जा सकता है, इट इज़ फ्री टू मूव, ठीक है। और इसी वजह से हमने लिखा है कि द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस आर फ्री टू मूव इन एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, और इसी का मतलब होता है रैंडम मैनर। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है रैंडम मैनर, अगर आप फोकस करें तो रैंडम मैनर का मतलब यही होता है कि कंटिन्यूसली कैसे मूव कर रहा है, एक्स वाई और जेड एक्सिस तीनों में वो रैंडमली मूव कर सकता है, ठीक है। नाउ 7th पोस्टुलेट है हमारे पास और बड़ा ही अहम पोस्टुलेट है कि द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। सबसे पहले समझना है, जो कि आप बच्चों को बहुत बखूबी आता होगा, कि काइनेटिक एनर्जी क्या है और एब्सोल्यूट टेम्परेचर की क्या बात कर रहे हैं, ठीक है। चूंकि काइनेटिक एनर्जी किसकी डायरेक्टली पोर्शन है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर की। काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की होती है विच इज़ ड्यू टू द मोशन, और आप सबको पता है कि अगर मैं सॉलिड लिक्विड और गैस की बात करूँ तो सॉलिड मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी नेग्लिजिबल होती है, चूंकि सॉलिड के मॉलिक्यूल्स आर टाइटली पैक्ड, दे आर नॉट इन अ कंटिन्यूस और रैंडम मोशन, ठीक है, मूव नहीं कर रहे होते, वो जस्ट अपनी जगह वाइब्रेट करते हैं, ठीक है। जबकि गैस के मॉलिक्यूल अगर आप कहीं पे भी छोड़ेंगे, कहीं पे भी किसी भी कंटेनर में किसी भी वॉल्यूम में अगर गैस के मॉलिक्यूल हैं तो उन्हें आपने एनर्जी देने की भी जरूरत नहीं है, दे आर ऑलरेडी इन कंटिन्यूस और रैंडम मोशन, और जब भी वो मोशन में होंगे तो मोशन से जो हमारी एनर्जी रिलेट होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। इसका मतलब कोई भी गैस अगर आप उठाते हैं तो उसके अंदर जरूर कोई ना कोई एवरेज काइनेटिक एनर्जी उसके मॉलिक्यूल्स में होगी, ठीक है। और वो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे,
कौन सा टेम्परेचर? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अच्छा एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या चीज है? बहुत से बच्चे नहीं समझ पाते एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर बेसिकली टेम्परेचर का वो स्केल है जिसे हम केल्विन में नोट करते हैं, ठीक है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज अ टेम्परेचर इन केल्विन, ठीक है। और इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे जब मैं आपको बॉयज एंड चार्ल्स भी करवाऊंगा, तो इंशाल्लाह इसको डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। एब्सोल्यूट टेम्परेचर अगर आप बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ जाएगी। इसकी मिसाल ऐसा ही है कि फॉर एग्जांपल मैं एक बॉक्स है, मेरे पास वॉल्यूम आपके सामने बनाया गया है, इसमें मॉलिक्यूल्स हैं और ये मॉलिक्यूल रैंडम मोशन कर रहे हैं। रैंडम मोशन के दौरान ये कोलाइड भी कर रहे हैं विद द वॉल ऑफ द कंटेनर एंड विद वन एंड ईच अदर। यहाँ से अगर मैं इसको हीट करता हूँ, ठीक है, हीट करने का मतलब है कि मैं उसका टेम्परेचर राइज करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ही मैं इसको हीट करूंगा तो इसका वॉल्यूम जो भी हमने लिया है कंटेनर का, वो उसका एब्सोल्यूट टेम्परेचर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। एंड व्हेन देयर इज इंक्रीज इन द वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स, इट मींस द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इज आल्सो इंक्रीजिंग, और ये मॉलिक्यूल बहुत तेजी से मूव करना स्टार्ट कर देंगे। तो बेसिकली सेवन पॉस्टलेट में हमें बताया जा रहा है कि जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, वो हमारे गैस के मॉलिक्यूल के एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। और इस पोस्टुलेट के हवाले से एक डेरिवेशन भी है, शॉर्ट डेरिवेशन, हमारे कोर्स में इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स के अंदर, नेक्स्ट वीक जो लेक्चर्स होंगे हमारे, उसमें आपको जरूर इसकी डेरिवेशन भी करवाई जाएगी और ये प्रूव किया जाएगा कि येस द काइनेटिक एनर्जी, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। अब हम हमारा लास्ट पोस्टुलेट जो कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का है, वो कहता है कि द वॉल्यूम ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द वॉल्यूम इन विच द गैस इज कंटेन। इसका मतलब है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जिस कंटेनर में हम गैस ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ये रूम की एग्जाम्पल ही थी मैंने आपको, या ये जो मैंने बोर्ड पर कंटेनर बनाया है, इसमें अगर मैं इंसर्ट करवाऊँ अपनी गैस को, तो गैस के मॉलिक्यूल चूंकि बहुत दूर दूर तक फैल जाते हैं, उनके दरमियान फासला बहुत ज़्यादा होता है, देयर डिस्टेंसेज इज मच मोर देन दैट ऑफ देयर साइज, उनके साइज से बहुत ज़्यादा उनके दरमियान फासला होता है। और यही वजह है कि जो वॉल्यूम हम ऑक्यूपाई करवाते हैं गैस के अंदर, जो कंटेनर के अंदर वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही होती है गैस, वो नेग्लिजिबल होता है। हालांकि जिसमें हम रख रहे हैं उसका कोई ना कोई वॉल्यूम है, जिस कंटेनर में हम उसको कंटेन कर रहे हैं गैस को, उसको कोई ना कोई सर्टेन वॉल्यूम है, चूंकि एक सॉलिड है। फॉर एग्जांपल रूम है, रूम एक सॉलिड है, इसका कोई ना कोई वॉल्यूम है। लेकिन जब इसे गैस इंसर्ट करता हूं तो मैं कहता हूं कि द वॉल्यूम ऑफ ऑल मॉलिक्यूल ऑफ द गैस इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द वॉल्यूम इन विच द गैस इज कंटेन, यानी इस रूम के वॉल्यूम के कंपेरिजन में जो गैस का मॉलिक्यूल है उसका वॉल्यूम नेग्लिजिबल है, ठीक है। तो ये तमाम तरह अजम्पशंस हम जब भी काइनेटिक मॉलिक्यूल थ्योरी ऑफ गैस पढ़ते हैं, तो ये तमाम तरह अजम्पशंस हमें पढ़नी पड़ती हैं और इनको समझना पड़ता है। इन अजम्पशन से हमें एक्चुअल में गैस का बिहेवियर समझ में आता है कि गैस के मॉलिक्यूल किस तरह बिहेव करेंगे जब हम उनको डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों पे ऑब्जर्व करेंगे, तो वो कैसे बिहेव करेंगे। यहाँ पे हमारा टॉपिक ख़त्म होता है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। अब हम जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है हमारे पास लॉज ऑफ गैस, विच इज़ बॉयज लॉ एंड चार्ल्स लॉ, हमारे कोर्स में है, तो हम उस पर जाएंगे। ये टॉपिक हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है।